हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। मेरे बच्चे शोर कर रहे हैं, सॉरी मैं दो तीन दिन व्लॉग नहीं डाल सकी। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, अब तो प्रॉपर मैसेजेस आते हैं बिलाल कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। कुछ गुस्से में भी कहते हैं हमारी पूरी फैमिली वेट कर रही है। तो इसका नो डाउट एक लिहाज से ये है कि मुझे फील होता है कि यू गाइज आर मिसिंग मी, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, मुझे करना चाहिए। तो आ जाए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वैसे शाम हो गई है, अभी हम थोड़े काम से जा रहे हैं, टैक्स के लिए मीटिंग है एज अ फैमिली। वो तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकूंगी, लेकिन उसके बाद कहाँ जाते हैं वो फिर साथ। ठीक है, आज हम आए हुए हैं इधर। फैमिली ईयरली टैक्स होता है ना, जो इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स कहते हैं महद इसको, ईयरली जो टैक्स होता है उसकी वजह से फैमिली पूरी हमारी। वैसे मैं अच्छी कितनी लग रही हूँ ना, मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। मैंने आपको अपना ड्रेस तो दिखाया नहीं। अच्छा सा मौसम अच्छा हो गया बाहर, बीच में गर्मी आई थी, अभी तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। मतलब शाम को 16-17 हो जाएगा, विच इज़ मार्च में अगर ये टेम्परेचर मिल रहा है यहाँ पे तो ज़बरदस्ती बात है। और बता, कनाडा की सर्दियाँ इसीलिए फिर इफेक्ट आता है। मतलब वो हमारा काम तो हो गया, मीटिंग हो गई। आगे बिलाल आगे की तरफ चले, उस तरफ फिर आगे मुड़, अंदर की तरफ मुड़ जाए, अंदर से। सो अभी ना मुझे Your destination is on the left. मुझे ना रास्ते में एक शॉप नजर आई कनाडा पे, एक मैंने व्लॉग में देखा था, एक बंदी ने बनाया था कनाडा का लंडा। तो आज का हमारा टाइटल है अमेरिका का लंडा। गुडविल की शॉप है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा बिलाल। अच्छा तुमने दे दी है, तो गुडविल की शॉप मुझे नजर आई। मैंने कहा लेट्स, मैंने कभी भी अमेरिका में गुडविल सेकेंड हैंड शॉप जो लोग डोनेशन करते हैं इसमें मिलता है नॉर्मली कपड़े वगैरह। मैं कनाडा में जब नहीं गई थी ना, तो मैं कपड़े वगैरह तो नहीं लिए कभी। बुक्स मैंने ली हैं, बच्चों की रीडिंग बुक्स ना, आपको अच्छी स्टोरी बुक्स मिल जाती हैं शुरू में। बट आई वांट टू सी कि इसमें केबला आगे भले पार्क कर दो, वो आगे देखो। हाँ, सो मैंने कहा वाई नॉट मेक अ व्लॉग ऑन दिस, मैं भी देखूँ कि यहाँ का कैसा स्टैंडर्ड है। बिलीव करें पार्किंग नहीं मिल रही है, पार्किंग इसके लिए है कि दूसरे रेस्टोरेंट्स के लिए, ये अल्लाह जाने। बट बस विल का रश नहीं है, ये रेस्टोरेंट का रश है। और ये रेस्टोरेंट का रश के साथ साथ खुशबू भी बहुत है। और चेक करें यहाँ पे नाम ही गुडविल है। कनाडा में नाम थ्रिफ्ट स्टोर होते थे बिलाल, क्या आईमो को निकालिएगा, क्या नाम होते थे। और चेक करें बड़ी सी बिल्डिंग है, जैसे बड़ा सा इन्होंने बिलाल एक मार्कम में जो नजर आता था याद है, एक वो था उसको थ्रिफ्ट स्टोर कहते थे, क्या कहते थे। यहाँ अब सर्दी लग रही है, यहाँ से तुझे जैकेट लेके देते हैं। नहीं नहीं, और बाय द वे मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ हम देसियों में भी, कराची में जब हम वहाँ जाया करते थे क्लिफ्टन में, वो संडे बाजार लगता था वहाँ पे, शर्म खत्म हो गई थी। ये पाकिस्तान में आप लोग एक दूसरे को करते हैं, यहाँ पे चीज अगर यूज नहीं कर रहे, इवन नई नई चीजें लोग दे देते हैं जस्ट बिकॉज के किसी के हेल्प हो जाए। और यहाँ पे इस चीज को कोई बुरा नहीं कंसिडर किया जाता। हम में अभी भी ये कीड़ा है, आई डोंट नो कब जाएगा। हमारे नेबरहुड में अपने ग्रुप में किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए होती ना, हमारी एक नेबर है वो तो नई नई पेंटिंग्स बना के ग्रुप में डाल देती है कि मैंने ये पेंटिंग बनाई है। तो मेरे नेबर में सी कितना बड़ा है बिलाल, ओह माय गुडनेस, मुझे तो बहुत मजे का लग रहा है। नाम भी इसका गुडविल है, और तो छोड़ो पता है। ये देखें, चलो आज उधर से शुरू करते हैं, ये तो बीच में, तो ये देखें कपड़े वपड़े, उस तरफ शूज़ है। यहाँ पे ना अजीब सी खुशबू होती है बिलाल, नासा गई है वो नासों में चली जाती है। लेकिन मुझे ना वो अट्रैक्ट कर रही है डेकोरेशन वाली ना, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, कपड़ों की कमी नहीं है। कपड़ों के साथ साथ इतना तो रॉस में रश नहीं होता जितना यहाँ पर रश है। लेकिन आई विल, अब ये देखें व्यू, सोफे नॉर्मली हमारे नेबरहुड में बिलाल गोल्फ गोल्फ किट्स भी हैं, बॉल भी पड़े हैं गोल्फ के। लेकिन उस तरफ छोड़े, इस तरफ देखें, ये चीज़ें अच्छी हैं जो डेकोरेशन पे आप लोग खर्च करते हैं ना बहुत बड़ा बड़ा। क्या प्राइस क्या है, 4 पॉइंट, तो ये तो सस्ता तो नहीं है, 4.99 का, ये 2.9 का। आ जाओ आई किसी ने कॉस्को के कट लाइन का माल। हाँ एक चीज़ टूटी भी है किसी से, आ जाओ। ये क्रिसमस का सामान है, ये देखो आईमा कोई चीज़ टच मत करना ख्याल से। अब 2.99 के ये हैं, ठीक है। ये तो क्रिसमस का सामान मैं दिखा रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी, ये कुर्सियाँ हैं,
ठीक है, तो काफी पुरानी है ये, तो नहीं काबिल भी नहीं है, खुशबू ऐसी चढ़ती है। यहाँ पे जो काम की चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, कभी कभी बहुत एंटीक। अब ये नया है, अब चेक करो बिलाल, ये डब्बे में ही है। नौसी नहीं, नया तो नहीं लग रहा, डब्बा है बट नया नहीं है। ये मग्स वगैरह ये चेक करें, क्रिसमस का। मैं खा मैं क्रिसमस पे खड़ी हूँ। यस, ये सीडीज भी हैं, बट यहाँ पे आना है ना तो आपने बस बच्चों की स्टोरी बुक्स वगैरह है ना, ये देखें चिल्ड्रन पड़ी, प्राइस चेक करें, चिल्ड्रन पड़ी हुई है 0.59। क्योंकि वैसे हमारे तो नेबरहुड में वो बिलाल वो भी है ना, लाइब्रेरी भी है, एक बुक छोड़ के जाए। ये देखें ये अच्छी बुक है, लेबोरेटरी इन डायग्नोस्टिक टेस्ट विद नर्सिंग इंप्लिकेशन। बच्चों की देख लो, हाँ तुम ले लो अगर तुम्हें लेनी है बाबा, तो बच्चों की लेकिन हो पढ़ने वाली। ये देखें ये पड़ी हुई है ना स्टोरी बुक्स, यहाँ पे सबसे अच्छी जो है ना, ये तो बड़ों की है बिलाल, ट्रबल्स इन पैराडाइज, दीज आर नॉट फॉर यू। ये मेरे पढ़ने की लग रही है, सानू इसे दुनिया च इतने ट्रबल न मथे जाके ट्रबल करने, बट बुक्स के लिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड। एक तो प्राइस बहुत सस्ती होती है आई, ये यहाँ पे देखो मिडिल स्कूल है, ऑल दो मैं वी लव केप। अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए आई एम नॉट फोकस्ड, आई एम अभी देख लेते हैं, आप भले देखें मैं ज़रा एंटरटेन, मैं दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ना कि मिलता क्या क्या है गुडविल में। गुडविल ओके, ये देखें कैटल भी पड़ी हुई है मेरे जैसी, मेरी चाय की केटल ऑलमोस्ट। ये देखो पुराने ज़माने की टेप है, बिलाल VCR भी पड़े हुए हैं, ये हमारे ज़माने में होती थी CD प्लेयर। वाओ यार ये तो यादें आ गई है मुझे, पता है आई मीन यू नो दिस इज CD प्लेयर इन अर। ये देखो ये CD होता, CD कहाँ से डलती थी यार, दिस इज, ये देखो मोबाइल की ना कवर नया है, दिस इज अ न्यू कवर iPhone X Max, अल्लाह जाने केड़ा दा कवर है। ये ब्रश, ये VCR अगर मुझे नज़र आ जाए ना VCR के लिए, ये बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए CDs भी पड़ी हुई हैं, आई मस्ट जस्ट स्टे विद मम्मी ओके। ये लाइट्स अच्छी हैं पता है, अब मैं क्रिसमस की लाइट्स जो है ना इतनी महंगी महंगी ले के रही हूँ, ये कितने की है, ये 5.9 की, ये नई लाइट है, ये चेक करें। ये देखें बंदा यहाँ से ले जाए, अभी इन लाइटों में क्या प्रॉब्लम है, ये दो लाइट्स का सेट पड़ा हुआ है ठीक है, इसमें यहाँ पे ना आपको काम की चीज़ें मिल जाएंगी, वहीं मशीन भी पड़े हुए हैं ओके कम। अच्छा पहले ये बर्तन देख लें, बर्तन नॉर्मली होता है हम लोग, हम देसियों को स्पेशली होता है, मतलब हमारा थोड़ा सा हलाल का इशू है तो हम नहीं प्रेफर करते। वैसे भी मैं इस दुकान में पहली दफ़ा आई हूँ, मैंने कभी भी नहीं ली गुडविल से शॉपिंग, लेकिन मुझे था कि मैंने जैसे ही देखी मैंने कहा मैंने व्लॉग का कंटेंट क्या बनाऊँ, तो ये बना रही हूँ, तो ये व्लॉग का कंटेंट बना रही हूँ मैं। ये डब्बे में ये देखें, ये जैसे डिनर करते हैं ना उसके लिए, ये डब्बे में ये 24 की है, ये प्लेट्स वगैरह चेक करें, कप्स चेक करें। अब ये चार डॉलर के, $5 के चार ग्लास हैं। ये देखिए बिलाल ये जो सर्विंग ट्रेज नहीं होती डिनर्स में जो करते हैं और नीचे से आग लगती है, तो गरम गरम नहीं होता था मैसेज में खाना, ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। 24 की है इनमें ना वैसे ना, ये देखो मैं वैसे आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, ये इधर बर्तन नहीं है, फ़ायदा नहीं है, मैं मतलब आई एम जस्ट कम हेयर, मैं सिर्फ फूल वूल देखना चाह रही हूँ फूल कैसे हैं। ये डिकोर के लिए बेस्ट जगह है मैं बताऊँ, क्योंकि ये घर में पता नहीं लगते कि ये वो हैं, हम लोग जो इतने पैसे खर्च करते हैं ना रॉस चॉस से, इधर आ जाना चाहिए। ये देखो बिलाल नाउ व्हाट इज दिस, ये हेयर रोलर्स हैं, ये बालों में जो हेयर रोलर है ना, मोमबत्ती अलग, मुझे भी यही थी दोनों बेचारे। ये काणी क्यों है एक आंख से बेचारी, काणी नहीं उसने आंख मार रही है, अच्छा, आंख मार रही है। तुम समझे कि आंख निकली हुई है, हाँ या कैन यू पुट इट बैक, तोड़ दें फिर मैंने पैसे देना पौना। ये देखो कैसा लग रहा है, बड़ा प्यारा व्लॉग बनेगा देखना।
इसको बनाने का आपका मकसद होना चाहिए कि यहाँ पे भी गोरे भी लंडे से शॉपिंग करते। तो गोरे तो करते ही लंडे से शॉपिंग है, गोरा कभी भी पैसा ऐसे ज़ाया नहीं करेगा। कनाडा का तो कभी भी नहीं करता था। ये बुला देखो, ये काम की इतनी अच्छी प्यारी चीज़ है, ये तो मेरा दिल करा मैं ले जाऊँ घर के लिए। अभी बाहर हमारे लगाना है ना। यार ये बहुत अच्छी है बिलाल, ये बुरी है यार। मेरे घर के बाहर क्रिसमस का लगा हुआ है। या जिंदगी में अच्छी बुरी चीजें होती रहती हैं बिलाल, तुम्हारे लिए अच्छी होगी मेरे लिए बुरी होगी। चलो आ जाओ भाई, ये देख लो, मैं आगे तुम लोगों को डेकोरेशन भी दिखा दूँ, टॉयज भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। नहीं बेटा मैं अभी लूँगी कुछ भी नहीं, ये भी सामान मिलता है, किचन की शीट्स वगैरह। ये देखो ये हैं टॉयज। मुझे ना जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना ये फूल कुछ, तो ये देखो कवर्ड हैं, ये कितने अच्छे हैं। आई मीन दे आर नॉट क्लीन, प्लीज डोंट टच देम, प्लीज प्लीज। मैं नहीं चाहती कि किसी किस्म का। इधर आओ, ये भी हैं देख लो, अमेरिका का लंडा। फिर कहना मत कि अलमास ने लंडा नहीं दिखाया, तुम लोगों के लंडों में कैसे चीज़ें मिलती हैं। हमारे यहाँ पे देखो, मुझे तो भाई फूल अट्रैक्ट करते हैं, पर ये पुराने, इनकी शक्लें गंदी हैं, ये पड़ा हुआ है। पर ये देखो, वीकेंड पे नहीं आना चाहिए, डाइपर्स भी पड़े हुए हैं जो इस्तेमाल के नहीं है ना, ये 3 साइज है वो 2 साइज है, लोशन क्रीमें के इस्तेमाल की भी, ज्वेलरी बॉक्सेस ये अच्छे हैं, ये डेकोरेशन के अच्छे हैं, नो डाउट। ये देखें, देख लो भैया, ये ऊन है, मैंने कहा ना कोई दादी अम्मा छोड़ के गई है जो करती थी बेचारी, चली गई होगी, उसका कोई होगा नहीं, ये उन्हीं का सामान होगा। ये क्या है, दीज आर टॉयज, आयमा इन पे अट्रैक्ट करती जा रही है। चलो ये देखें, ये मैं तुम लोगों को एक वाकया बनाती हूँ। हमारे गाँव में ना शादी हुई, एक शादी पर हम गए ना, तो वो ना मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट होता है, कि जहेज़ भी लोगों को दिया जाता है या जहेज़ कोई चीज़ होती है ना, तुम ये पहले मशीनें देखो। तो वो कहने लगे कि जब मुझे अचानक से ना बिलाल वो शुरू हो गए दिखाना ना, जैसे शादी पे गए ना तो हमने ये दे रहे हैं ये दे, मेरे लिए बड़ा अजीब था। तो कहते हैं अभी ना किचन की सिंधी शादी थी, हूँ ऐसी लिख रहा आइंदा सी किचन जू मशीनू, मैं समझी कोई मशीनें होंगी बताएं ऑटोमेटिक सारे काम, बाद में पता चला ऐसी फजूल फजूल चीज़ें वो कह रही हैं। एक तो मुझे जहेज का कॉन्सेप्ट समझना है, शो ऑफ मतलब, ये ब्लेंडर ब्लेंडर को कह रही है किचन की ऑटोमेटिक मशीनू, मैं समझी पता नहीं केड़ी जी वो मशीनू था, मैं पागल हो गई, मैं कहा मशीनू, जब मैं तो सोचा कौन सी मशीन है, फिर कहें मेकअप जी मशीनू। अब मेकअप की मशीनें कौन सी होती है, मैंने कहा बंदा बैठेगा खुद ब खुद कुछ हो जाएगा, बाद में पता चला कि ये ब्लो ड्रायर। वो मशीनू, ये बुढ़े अंकल खड़े होंगे, चेक करो। अच्छा लैंप्स की भी बहुत अच्छी कलेक्शन है, पेंटिंग्स की भी है, कुशंस की भी है, ये भी देख लें। फिर मत कहना कि अलमास ने दिखाया नहीं, देखो जिस कलर की तुम लोगों ने डेकोरेशन करनी है ना, ये देखो ये वाला चेक करो ज़रा, मैं मजाक नहीं कर रही, ये ग्रीन फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, हेलोवीन का ऊपर रखो, पर सब कुछ है भाई। मुझे तो लग रहा है मेरे अंदर भी खुशबू जो है ना इकट्ठी हो गई है, लेकिन ये भाई सफ़र नामे भी हैं, सफ़र की चीज़ें भी हैं, छोड़ना कुछ नहीं, ठीक है। ये लैंप्स हैं, लैंप्स अच्छे हैं सारे वुडन, एक ही पता नहीं एक ही घर से लगता है, एक ही घर वालों ने किए थे। चलो मैं तुम्हें अंकल दिखाती हूँ, ये भी देख लें, स्केट बूट्स भी पड़े हुए हैं, लेगोज, ये एवरीथिंग, ये टॉयज है यार, ये बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं यार, पता नहीं किस किस ज़माने की हों यार, इनके लिखे हुए हैं पता है, ये देखो किस ज़माने की है, टाइमलेस डॉल, खौफनाक इतनी है ना, मैं तो अपने घर में रखूँ तो मुझे तो लग रहा है कि जिसकी ओनर हो उसकी रूह ही ना मेरे घर आ जाए। ये भी चेक कर, ये भी चेक करो, और ये साथ में चेक करो, अब बताओ ये कोई घर में रखेगा, अंकल आयमा की साइज़ का है, खौफनाक है। आ जाओ बिलाल, पेंटिंग्स अच्छी होती है, मिरर्स देखो पड़े हुए हैं, अब मिरर तो मैं इस, ये मिरर अच्छा है बिलाल 5 का, मेरी लगते नज़र आ रही है, पर ये दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मिरर, जस्ट लुक एट दिस मिरर, कितना प्यारा है ना, कितने का, ब्यूटीफुल $5.9 का, वेरी चीप, ये हमारे कहाँ आ सकता है,
पर हैवी है लगाने में, पर है प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, चेक करो है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल मिरर। नॉर्मली आप लेंगे 30-40 का मिलेगा, और हैवी कितना है। आ जाओ आयमा, कम आ जाए। हाँ प्रॉपर पाकिस्तानी स्टाइल है। ये चेक करें बेडशीट्स, क्विल्ट्स पड़ी हुई हैं, पूरे सेट्स हैं, इस तरफ भी हैं, मजाक नहीं है भाई। मैं चाह रही हूँ जितना आपको दिखा सकूँ ना, देख लें। कपड़ों की तो बेशुमार है, हर किसी की गर्ल्स बॉटम, ये देख लें हर चीज़ के स्विम वेयर, ये बेबीज़ का कलेक्शन है। और बिलीव करो मैंने गोरे बड़े कॉन्फिडेंटली और खुशी से इधर शॉपिंग करते हुए देखे हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है। हम में थोड़ा ये ख़त्म नहीं हो रहा जो कि हो जाना चाहिए टाइम के साथ, बट हमारे में शोधा पाई अभी चलेगी कॉस्ट्यूम। वैसे प्राइसेस कोई बहुत ज़्यादा चीप नहीं है इन शॉप्स में। एक मैंने देखा था, यूँ होता था एक डे होता है स्पेसिफिक। अब शूज़ देख लें, ऐसा लग रहा है नए श्रॉस के जूते हैं। ऐसे होता है कि कोई डे होता है उस दिन आपको ना 10-20% ज़्यादा ऑफ मिल जाता है। हीलें देख रही हैं तो देख लें, लेकिन जूतों पर स्मेल आ रही है। मैं निकल रही हूँ उस पोर्शन से, आगे देख रही हूँ। ये जीन्स वगैरह देखें आप, आयमा कब अबला जेंट्स का इधर है। ये लोग बच्चों के जूते हैं, ये जेंट्स का पोर्शन है। वो किसका है? वो ड्रेसेस का पोर्शन अलग है, वो ड्रेसेस हैं, बेल्ट। अच्छा ज्वेलरी वुलरी नहीं है वैसे, वो भी आगे है, हर चीज़ है। मैं भी देख रही हूँ अपने आप को कैसा है। ये रही मैं, आयमा दिखाओ, ये बिलाल है। चलो ड्रेसेस आगे, बैग्स देखते हैं, ड्रेसेस वगैरह देखने हो सी। अच्छा कुछ कीमती बैग उधर भी हैं, पर इधर भी सस्ते वाले बैग मैं दिखाती हूँ। आ जाओ ये देखें, हैंड बैग्स वगैरह इधर हैं। ये सारे बैग्स की कलेक्शन कोई अच्छी आपको लगे। वैसे ये प्राइस होनी नहीं चाहिए, इनकी होनी चाहिए एक एक दो दो डॉलर। ये स्वीटी आई मैं ना घुस, तेनों नहलाना पै जाएगा, चला जा। ये रही मैं, करते हैं व्लॉग को एंड। बेल्ट वगैरह भी हैं, ठीक है। बेल्ट कीमतें कितने की हैं? 3.9 डॉलर। मेरे ख्याल में इन्होंने थोड़ी सी महंगी रखी हुई है, जो मुझे लग रहा है मे बी शायद ना ये, क्योंकि शीन से मैंने मंगवाए थे तकरीबन बेल्ट ना 3-3, 4-4 का सेट, तो वो $10 $6-7 इतने कपड़े इजीली मिल गए थे, तो उस लिहाज से तो आई फील कि ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं। मैं इनके पास जो है वो डेज लगती हूँ। इस तरफ ये बैग्स हैं, और कपड़े तो आपको दुनिया जहान की मिलेंगे। दोबारा से घुमा के पास बड़ा हॉल है, चलें फिर चलें। लेकिन ये वही वाली, अच्छा फूल वगैरह उस तरफ भी पड़े हैं, वो मैंने नहीं देखे थे। लेकिन यहाँ पे कभी कभी काम की चीज़ें भी आ जाती हैं। फिलहाल चले, सो बस देख लिया गुडविल की हमारी शॉपिंग हो गई। शॉपिंग क्या, दिखा दिया मैंने आप लोगों को। ये हमारी गोल्फ कार्ट घूम रही, कितनी अच्छी लग रही है। वैसे ही तुम्हें पता चला है? नहीं, मैंने जब तुम पिछली दफ़ा हम इधर आए थे ना करीब ऑफिस में, तो मैंने ना ये गुडविल मुझे नजर ही, मैंने कहा ये इतना बड़ा हॉल है ये क्या है। नहीं मतलब ये हर स्टेट में है ये, नहीं मुझे पता, ये होगी होगी जैसे वहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम होता है, यहाँ पे गुडविल का नाम होगा, ऑफ कोर्स शॉप ही होगी। थ्रिफ्ट का मैंने सुना था, थ्रिफ्ट वहाँ पे होती है ना कनाडा में, इधर भी है, इधर भी है तो वो भी होंगी, पर गुडविल भी है। बट कीमतें मुझे थोड़ी सी इनकी एक्सपेंसिव लगी है, मतलब आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो इट शुड बी मतलब $1-2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर इनके डेज होंगे। बट मैंने आप लोगों को दिखाया दिया ये होती हैं, यहाँ पे लोग कॉन्फिडेंटली लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे दिखावा कम होता है ना, जो जो अफोर्ड कर सकता है ठीक है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता, जो अफोर्ड करता है वो भी बताता नहीं है मैंने कहाँ से कपड़े लिए हैं, जो नहीं अफोर्ड करता वो भी नहीं बताता कि हमने कहाँ से लिए हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, जो हमारे सीन है ना वो सीन नहीं है। मैं इस शॉप में गई हूँ बच्चों से इजाज़त, मानिता गाड़ी में थे और मुझे इनको सिफारिश करनी पड़ी कि बेटा तुम लोगों को मैं मैकडोनल्ड से आइसक्रीम लेके दूंगी, तो फिर जाके इन्होंने मुझे इजाज़त दी। और बीच में मैं वीडियो बना रही थी, कॉलें आ रही थी उनकी, पता है किनकी, बच्चों की,
इसलिए तो तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हुई। मेरे फोन की नहीं, आपके फोन पे भी आएंगे। अच्छा छोड़ ही ना दे, खैर आराम से। मैं प्यारी कितनी लग रही हूँ, मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। गुडविल से होके आई हूँ, हुसन के चारों चार और चढ़ गए। इधर से निकल सकते हो अब। नाउ दैट इज सिग्नल, सिग्नल से उस तरफ जाना है, ठीक है। और पता है कि वही रोड है, आगे सीधा सीधा चले जाओगे तो पुल आएगी। और वो सो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग? अभी हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड, मैकडॉनल्ड में खाएंगे आइसक्रीम, ड्राइव थ्रू से लेंगे, फिर बच्चों ने जाके घर जाके, कल छुट्टी तो नहीं है नहीं। आज काफी चेंजेस आए, आज बिलाल की भी एक न्यूज है। बिलाल क्या न्यूज है तुम्हारी? बिलाल का डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम चलना चाहिए, बाकी कहीं भी तुम्हें फेंक दें। न्यूजीलैंड उसमें दो दिन जाना पड़ेगा, तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ? वही होगा कालिया जो पहले होता था। अच्छा ये गाड़ी इधर जा रही है, ये गाड़ी उधर जा रही है। चलो निकलो। मैकडॉनल्ड आए हुए हैं। मैकडॉनल्ड में ना अभी आजकल ना एक शेक आया हुआ है, शैमरॉक। इट्स अ पेपरमेंट, लेकिन वो पेपर की वो नहीं आते जो उस तरह में होता है ना। टेस्ट इज सेम बट इट इज वन ऑफ माई फेवरेट। बहुत ही मजेदार जो इस वाले पे आए हैं। अभी हमने मांगा था, दूसरे पे आया हुआ है, लेकिन उनके पास कह रहा है हमारी शेक मशीन खराब है। तो मेरे रूटीन का जो फेवरेट है ना बिलाल, वो कौन सा मैं ऑर्डर करती हूँ? नहीं ये शैमरॉक तो सीजनल है। कैरामल फ्रैपे, मैं कैरामल फ्रैपे करती हूँ, तो मैंने वही करा। और कैरामल फ्रैपे देते हैं, बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हैं और घर चलते हैं। तो हुआ ये कि हमने उसने कहा जो ऑर्डर ले रही थी, उसने कहा था शैमरॉक शेक जो है खत्म हो चुका है। और जब हम उधर आगे वो ऑर्डर पे पहुंचे, तो वहाँ पे मैनेजर कहता है कि वो कैरामल हमारे पास खत्म हो चुका है, तो कोई शेक ऑर्डर कर दो। बिलाल इतने तेज है, बिलाल कहते हैं अच्छा शेक ऑर्डर करूं, यार ये बहुत मजे का। बिलाल कहता है ये बताओ कि शैमरॉक है शेक? कहते हैं मैं चेक करता हूँ। कहता हाँ तो एक मिनट रहेगा। कहते हैं बिलाल ने कहा, जैसे मैंने कहा अपने मियाँ की, तो मैं शहजादी हूँ। कहता है अपने मियाँ की नहीं, अपने आप की। वो जिस तरह उसने एक मूवी में कहा था ना करीना कपूर ने, कि मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ। हाँ तो तुम भी अपनी फेवरेट खुद हो, तो मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मतलब कहना ये मेरी फेवरेट। हम घर जा रहे हैं, घर ही चल रहे हैं। चले भाई, बाय बाय, टेक केयर।